ये देखिए प्याज है, 7 प्याज है, 2 टमाटर है, 12 ये है बादाम है, और 10 के करीब ये है काजू, और ये अदरक है इंच का, और 3 हरी मिर्च है, और 10 लहसुन का कली है। ये देखिए सारे खड़े मसाले हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 4 लौंग, जावित्री, दालचीनी, जायफल का छोटा सा टुकड़ा ली हूँ, धनिया है 1.5 टेबल स्पून के करीब, जीरा है 1 टी स्पून। ये देखिए दोस्तों इतने स्क्वायर में मैंने हाफ बटर डाला है, इसी में मैं सारे मसाले डाल दूँगी। ताकि हमारा बटर जले ना। ये अदरक है, यहाँ पे मैं बादाम, ये लहसुन सारे डाल दूँगी, और ये सब कुछ जो है वो डाल दूँगी, और फिर मैं इसको थोड़ा भून लूँगी। मैं प्याज और ये डाल दूँगी, टमाटर, और इन सबको मैं थोड़ा हल्का ट्रांसपेरेंट तक भूनूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं हल्दी डालूँगी, और ये लाल मिर्च है, देगी पाउडर है, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के इसको मिलाऊँगी। फिर दोस्तों यहाँ पे मैं नमक इसमें ऐड करूँगी, थोड़ा इससे मुलायम हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों इस तरीके से मैं इसको बटर में भून रही हूँ, और फिर मैं मसाले को पका के, हाँ तेज़पत्ता वही है जो पहले था उसी को मैं डालती हूँ, और 2 मिर्ची बस मैंने देखा मेरे पास मिर्ची वो है, यहीं पे मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं मसाला भूनूँगी, ये देखिए दोस्तों यही मैं मसाला डाल रही हूँ। अब मसाले को मैं मैंने यहीं पे डाल दिया, ये वही है काजू और बादाम, प्याज, लहसुन, अदरक और सारे सूखे मसाले, उसका पेस्ट है, ये पकेगा। यहीं पे दोस्तों सारे डाल देंगे चिकन।